हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल्टी डाइजेस्ट। आज के एपिसोड में हम हिंगना में आए हैं। यहाँ पे हम आपके लिए और एक नया प्रोजेक्ट लाए हैं। बेसिकली जो लोकेशन है वो डीमार्ट के अपोजिट जो रोड है वहाँ से 800 टू 900 मीटर्स के डिस्टेंस पे आती है। देन यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे सेकेंड फेज का जो मेट्रो रहेगा वो स्टेशन जो रहेगा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आएगा। देन अगर आप बर्डी से आते हैं तो 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेशन जो है लोकेटेड है। प्रोजेक्ट जो है LG डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन्होंने जो है ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट करके हैंडओवर कर चुके हैं। ये इनका 3rd साइट है। अभी जो है मेन एंट्रेंस गेट के बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस गेट के आसपास जो एम्यूनिटीज मिलती है उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो मेन एंट्रेंस गेट के बोथ साइड जो है बाहर यहाँ पे जो है विजिटर्स के लिए पार्किंग एरिया रहेगा। मेरे दोनों साइड में जो विजिटर्स के लिए पार्किंग एरिया रहेगा। देन मेन गेट मेरे लेफ्ट साइड में जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है मेन क्लब हाउस रहेगा। यहाँ पे जो है नीचे में है आपको एक हॉल मिलता है। देन हॉल के ऊपर जो है यहाँ पे जिम्नेशियम है एंड वहाँ पे इंडोर गेम का एरिया भी वहीं पे लोकेटेड है। एंट्रेंस गेट के अपोजिट जो रोड आता है तो वो रोड के जो अपोजिट साइड है यहाँ पे भी आपको कुछ एम्यूनिटीज मिलते हैं। जैसे मेरे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्केटिंग ग्राउंड है। देन यहाँ पे हाफ बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल है। देन यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी अवेलेबल है। अभी जो है हम मेन एंट्रेंस गेट के अंदर चलेंगे एंड वहाँ पे जो आपको अंदर एम्यूनिटीज मिलती है वो भी दिखा देंगे। बट फर्स्टली आपको मेन एंट्रेंस गेट जो है वो दिखा देता हूँ मैं। जैसे आप आगे देख सकते हैं ये रहेगा मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ पे जो है 24/7 सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी एंड यहाँ पे CCTV सर्वेलेंस भी 24/7 अवेलेबल रहेगा। आइए चलिए गेट के अंदर चलते हैं एंड हम एम्यूनिटीज के बारे में बात करेंगे। अभी जो है मेन गेट के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे जो है सीमेंट रोड रहेगा जैसे आप देख सकते हैं। देन मेन गेट के अंदर जो है सराउंडिंग में आपको क्या क्या एम्यूनिटीज मिलती है वो दिखा देते हैं। तो अभी जो है ये जो रहेगा जॉगिंग ट्रैक रहेगा, ऐसे राउंड शेप में जॉगिंग ट्रैक है। देन यहाँ पे जो है लॉन अवेलेबल है। अगर आप छोटा सा प्रोग्राम ओपन में करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन भी अवेलेबल है एंड लॉन के अपोजिट यहाँ पे स्टेज भी अवेलेबल है जहाँ पे आप योगा वगैरह भी कर सकते हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छी है एरिया में। देन लॉन के जो अपोजिट है यहाँ पे जो है किड्स प्ले एरिया भी अवेलेबल है, तो वो जो रहेगा किड्स प्ले एरिया रहेगा। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे 3 विंग जो है कंस्ट्रक्ट मतलब 3 विंग का जो है प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो 2 विंग जो है कंस्ट्रक्ट होके हैंडओवर भी हो चुके हैं एंड मेरे पीछे जैसे आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है। तो हम जो है सैंपल फ्लैट जो देखेंगे वो बी विंग का रहेगा जो कि सेंटर में लोकेटेड है। वहाँ पे हम सैंपल फ्लैट देखने जा रहे हैं एंड वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, तो ये चलिए सैंपल फ्लैट देखते हैं। अभी जो है हम बी विंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं तो ये रहेगा पूरा पार्किंग रहेगा बिल्डिंग का। यहाँ पे पूरा पार्किंग के लिए स्पेस अवेलेबल है। देन मेरे राइट हैंड साइड में जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है सोलर पैनल फिट करे गए हैं। तो ये सोलर पैनल का जो पूरा पावर है ये बिल्डिंग के कॉमन एरिया के लिए रहेगा एंड लिफ्ट के बैकअप पावर के लिए रहेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे एम्यूनिटीज रहती है। देन आइए चलिए लिफ्ट से हम सीधा टॉप फ्लोर पर चलेंगे 8th फ्लोर पर, वहाँ का सैंपल फ्लैट देखने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। अभी जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो ये वन ऑफ द लिफ्ट रहेगी। हर विंग में जो है 2 लिफ्ट रहेंगे। एक लिफ्ट की कैपेसिटी रहेगी 13% की एंड एक लिफ्ट की कैपेसिटी रहेगी 10% की। दोनों लिफ्ट के एडजेसेंट जो रहेंगे स्टेयर्स रहेंगे जो कि 8th फ्लोर तक मतलब टॉप फ्लोर तक रहेंगे। तो ये चलिए देखते हैं, हम 8th फ्लोर पर जाएंगे एंड वहाँ पर सैंपल फ्लैट देखेंगे। ये जो हम 8th फ्लोर पर आ चुके हैं, यहाँ पे जो है मैं कॉरिडोर में मेन खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो जैसे आप स्टेयर्स देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम ऑलरेडी फिटेड है फॉर योर सेफ्टी। देन ये जो रहेगा मेन कॉरिडोर रहेगा, ये जो है 6 फीट वाइड कॉरिडोर रहेगा, 6 फीट का इसका जो है डिस्टेंस रहेगा। देन यहाँ पे जो है जैसे आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये जो रहेगा फॉर वेंटिलेशन एंड एयर के लिए जो है लाइटिंग के लिए यहाँ पे जो है हर 2 फ्लैट के बाद ओपन स्पेस छोड़ा गया है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये जो रहेगा हमारा सैंपल फ्लैट रहेगा जो हम अभी देखने वाले हैं। तो अंदर एंटर करने से पहले इसके बारे में आपको कुछ स्टैट्स दे देता हूँ।
फ्लैट जो है 905 स्क्वायर फीट का रहेगा। ये जो है 2 BHK फ्लैट रहेगा जिसमें आपको 2 बेडरूम रहेंगे, 2 वॉशरूम रहेंगे, किचन एंड लिविंग रूम रहेगा। देन यहाँ पे आपको एक ओपन टेरेस भी अवेलेबल है। तो आइए चलिए फ्लैट के अंदर चलते हैं और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेन एंट्रेंस डोर से हम अंदर आ चुके हैं। ये जो डोर रहेगा ये पूरा मेटल का सॉलिड डोर रहेगा जिसमें मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम अवेलेबल है, जहाँ पे 7 लॉक से ये लॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे जो है आपको आईपीएस भी मिलता है। ये जो है मेन लिविंग रूम में आ चुके हैं, ये रहेगा मेन लिविंग रूम आपका। यहाँ पे जो है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडोज दिए गए हैं, एक विंडो यहाँ रहेगा एंड एक विंडो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ये रहेगा कुछ आपका ऐसा लिविंग रूम। एंड लिविंग रूम में जो आपको मल्टीपल कनेक्शन सॉकेट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपकी टीवी यूनिट के लिए ऑलरेडी जो है फिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी नाइसली फिनिश सीलिंग है एंड यहाँ पे विंडोज भी अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे तो मेन लिविंग रूम से निकलते ही मेरे फ्रंट पे जैसे आप देख सकते हैं तो ये रहेगा किचन रहेगा। ये जो रहेगा ये फ्लैट का जो रहेगा किचन रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूलर किचन अवेलेबल है। किचन का जो काउंटर टॉप है ये जो रहेगा ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल का रहेगा। ये जो रहेगा काउंटर टॉप रहेगा। एंड यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का सिंक दिया है, यहाँ पे एक टैप भी अवेलेबल है। देन अगर आप आपका आरओ वाटर प्यूरीफायर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आउटलेट दिया गया है। एंड यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन आउटलेट भी दिए गए हैं। एंड मेरे फ्रंट पे जो है जैसे आप आगे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है फ्रिज रखने के लिए आपका जो फ्रिज है उसके लिए सेपरेट आउटलेट दिया गया है, ताकि आप अपना फ्रिज यहाँ पे रख सके। किचन को जो अटैच है यहाँ पे छोटी सी बालकनी दी है, बालकनी के लीजिए। बट ये जो है आपका वॉशिंग स्पेस एंड यूटिलिटी स्पेस रहेगा। यहाँ पे जो है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सामने में जो है तो वॉशिंग मशीन के लिए आउटलेट दिया है। एंड नीचे में है टैप फिटिंग एंड ड्रेनेज भी दिया गया है। यहाँ पे जो रेलिंग है उसके ऊपर टाइल्स फिटेड है। एंड जैसे आप यहाँ पे आगे से देख सकते हैं ये जो रहेगा गार्डन का व्यू रहेगा। ये रहेगा आपका यूटिलिटी स्पेस। देन अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारे आने वाले फ्यूचर में कंटेंट भी देख सके। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ से किचन से आगे बढ़ेंगे तो किचन से आगे बढ़ते ही जहाँ से फ्रंट में रहेगा ये रहेगा कॉमन वॉशरूम रहेगा। देन यहाँ पे कॉमन वॉशरूम के सामने यहाँ पे कॉमन वॉश बेसिन भी रहेगा। ये दोनों स्पेस के जो ऊपर है यहाँ पे जो है इन्वर्टर के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे इन्वर्टर का वायरिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप इन्वर्टर फिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। ये जो रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा। इसमें जो है टॉप टू बॉटम जो है वेट्रीफाइड टाइल्स फिटेड रहेंगे, जो कि एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे। देन यहाँ पे जो है फिटिंग्स रहेंगे वो ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगे। यहाँ पे शॉवर वगैरह सब फिट करके दिया है। एंड यहाँ पे आपकी गीजर लगाने के लिए आउटलेट्स दिए गए हैं, जो कि दोनों बाथरूम में सर्व करेगा। आगे बढ़ेंगे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एंटर करते हैं तो ये जो रहेगा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। ये भी एक कोजी सा बेडरूम है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है, जो कि गार्डन फेसिंग विंडो रहेगा। देन यहाँ पे विंडो के जो ऊपर है यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, ताकि आप अपना सामान जो है निकने से यहाँ पे स्टोर कर सके। देन विंडो के साइड में अगर आप यहाँ पे कूलर लगाना चाहते हैं या फिर एसी फिट करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आउटलेट दिया गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलेंगे, राइट हैंड साइड में टर्न करेंगे तो ये डोर से एंटर करते ही हम जो है मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं। तो ये जो रहेगा मास्टर बेडरूम रहेगा। ये भी नाइस एंड स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, जैसे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको जो है अटैच टॉयलेट रहेगा। जो रहेगा मास्टर बेडरूम का टॉयलेट रहेगा, इसमें भी सेम जो है आपको फ्लोर टू टॉप जो है टाइल्स फिटेड रहेंगे, जो कि एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे। एंड यहाँ पे भी आपको ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगे। एंड इस बाथरूम में जो है आपको अटैच जो है इंटीरियर अंदर ही आपको वॉश बेसिन मिलता है। तो कुछ ऐसा रहेगा मास्टर बेडरूम का बाथरूम रहेगा। देन यहाँ पे जो है अगर आप टीवी फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आउटलेट दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात मास्टर बेडरूम की, तो यहाँ पे जो है फ्रेंच विंडो दिए गए हैं, ताकि आप अपने जो है ओपन टेरेस में एंटर कर सके। इस ओपन टेरेस के भी कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एंटी स्किड टाइल्स फिट रहेंगे, ताकि अगर बारिश का वगैरह मौसम में जैसे अभी चल रहा है तो स्लिपेज के कोई चांसेस ना हो। एंड यहाँ पे भी है आपके वॉशिंग मशीन, अगर आप फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे टैप एंड कनेक्शन दिया गया है। तो ऐसा रहेगा कुछ ये ओपन टेरेस का स्पेस। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओपन टेरेस का जो स्पेस है उसमें आपको सिक्योरिटी मेटल डोर दिया गया है, ताकि आप इसको लॉक कर सके फॉर योर सेफ्टी। नाउ प्राइसिंग के बारे में वगैरह डिस्कस करेंगे तो आइए चलिए लिविंग रूम में चलते हैं एंड उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रहेगा फ्लैट का टूर। फ्लैट की डिटेल्स आपको फिर से दे देता हूँ। फ्लैट का जो साइज रहेगा वो रहेगा 905 स्क्वायर फीट का रहेगा। ये जो रहेगा 2 BHK फ्लैट रहेगा। ये फ्लैट में जो आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे, 2 बाथरूम्स मिलेंगे, लिविंग रहेगा, किचन रहेगा, किचन के साथ यूटिलिटी रहेगा एंड एक बेडरूम के साथ आपको जो है ओपन टेरेस मिलेगा। ऐसा रहेगा फ्लैट का डिटेल। फ्लैट का जो पूरा डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्लैट का जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा, तो प्राइसिंग को आप चेक कर सकते हैं। और प्राइसिंग जो है वीडियो की पब्लिशिंग डेट का ही रहेगा। देन यहाँ पे फ्लैट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो रहेगी
के यहाँ पे प्राइसिंग है, बिकॉज यहाँ पे फ्लैट जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज के अवेलेबल रहेंगे। ऐसा रहेगा फ्लैट का डिटेल एंड बिल्डिंग का। अगर आप फ्लैट को विजिट करना चाहते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहते हैं, तो हमारा नंबर यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके भी उसकी डिटेल ले सकते हैं, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा, तो उस पर भी आप जाके हमारे डिटेल्स ले सकते हैं। तो ऐसा रहेगा ये प्रॉपर्टी का टूर। अगर आपको प्रॉपर्टी का टूर पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारे आने वाले फ्यूचर में कंटेंट भी देख सकें। So, see you in the next episode. Until then, thank you. Take care.